दुर्ग के गयानगर वार्ड में बंदरों का आतंक दिखा। वहीं पानी की तलाश में पहुंचे बंदरों को रेस्क्यू टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं उनमें से एक बंदर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दुर्ग जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इंसानों के साथ साथ इसका असर जानवरों पर भी पड़ते देखा जा रहा है। कुछ बेजुबान जानवर खाने और पानी की तलाश में जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख करते देखे जा रहे हैं। कुछ इसी तरह दुर्ग के गया नगर वार्ड 4 में बंदरों के एक दल से अलग हुए दो बंदरों ने खाने और पानी की तलाश में आतंक मचा रखा है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से इन बंदरों का आतंक इस वार्ड में लगातार जारी है, जिसे देखते हुए वार्ड पार्षद व पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने वन विभाग में इसकी शिकायत की थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने आकर बंदरों का रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता मिली। इसके बाद लगातार बंदरों का आतंक जारी रहा। आज एक बार फिर वार्ड में एक परिवार के ऊपर बंदरों के आतंक को देखते हुए पुनः शिकायत करने पर रेस्क्यू टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर एक बंदर को पकड़ लिया गया और वहीं दूसरे बंदर की तलाश अभी की जा रही है। वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में वार्ड के लोगों ने जानकारी दी। ये हमारे गयानगर वार्ड क्रमांक 4 में पिछले कुछ दिनों से दो बंदरों का बेहद आतंक था। ये बंदर झुंड से अलग हो गए थे, किसी के भी घरों में घुस जाते थे और वहाँ आतंक मचाते थे, और लगातार इसकी शिकायत आ रही थी। विगत दिनों भी वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन नहीं पकड़ पाए थे। आज सुबह एक परिवार में बंदर घुस गया था, उसके कारण 4 घंटे से एक परिवार अभी घर में कैद है, और अभी वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर अभी पकड़े हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा काम है, लेकिन एक बंदर और अभी बचा हुआ है। लोग परेशान थे, इससे आज राहत मिली है। लोगों ने मुझे सूचना दिया था कि लगातार बंदर का आतंक है, और मैंने वन विभाग को सूचना किया था, और सूचना पर ही वन विभाग की टीम आई है। अभी पकड़ कर इसको ले जा रहे हैं। हो गए बंदरा बहुत परेशान करा थे, पार्षद ला बार बार फोन करे तब भेज गई, अब वो पकड़ के लेगा थे और हवा एक था ओहुल पकड़े लग थी। 4 घंटे से कोई परिवार यहाँ पे फंसा था, जिसके रूम में बंदर बंद था, और यहाँ से फोन पे फोन आ रहा था गया नगर 4 नंबर गली से कि कोई बंदर आतंक मचा कर रखा, और इन लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से बंदर ने आतंक मचा। आज एक बंदर को हमने रेस्क्यू कर लिया है, वन विभाग के थ्रू हमें कॉल आया था, हमने रेस्क्यू करके इसको मैथी गार्डन ले जा रहा हूँ, इसको रिमांड छोड़ेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।